गर्मियों का प्राणी गर्मियों में घूमने आता है प्राणी। चलो अभी करेंगे लड्डू गोपाल जी की पूजा। हाँ तो चलिए, क्योंकि लाइव राम राम जी सभी को और गुड मॉर्निंग जी सभी को। और आज मम्मी जी पापा जी घर पे हैं नहीं, तो आज मुझे करनी पड़ेगी लड्डू गोपाल जी महाराज की पूजा। और अभी मैं नहा कर आई हूँ जस्ट, और बस अभी रेडी हुए हैं। और आज हमने ये वाला सूट पहना है, दिखाना थोड़ा हमारा सूट का लुक दिखा दे। टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, बैक कैमरे से दिखा दे। चल कैसी लग रही हूँ ये देखो, मम्मी ने पहने नई ड्रेस कपड़ा, कुर्ती नहीं है, सलवार नहीं नहीं है। और बस अभी करूंगी पूजा लड्डू गोपाल जी महाराज की। और जिया खा रही है एप्पल, और मम्मी जी नहीं है, तो आज लड्डू गोपाल जी महाराज की मुझे करनी पड़ेगी पूजा पाठ। तो अभी बस करते हैं प्रोग्राम चालू, फिर कहानी सुनूंगी, फिर चाय बनाऊंगी, फिर खाना वाना का सोचूंगी क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। वैसे खाने में हम तीन लोग ही हैं आज खाने वाले, ताऊ जी और मैं, तो देखते हैं क्या बनाते हैं और क्या नहीं, बाद में देखेंगे वो। तो अभी पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा देर हो जाएगी लड्डू गोपाल जी महाराज को, स्नान वगैरह करवा देते हैं। चलिए जी, ये देखिए जी, हम आ गए हैं भगवान जी के द्वार में, और भगवान जी को हमने करवा दिया है स्नान और करा के और कपड़े वगैरह पहना दिए हैं। और ये मैं बांसुरी लगा रही थी, तो ये लग नहीं पा रही थी मुझसे, तो फिर मैंने माला में अटका करके और फिर लगाई बांसुरी। और बस अभी तिलक लक लगा देंगे भगवान जी के, और फिर बत्ती जला देंगे दिया। बस इतना ही करती हूँ मैं, ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है, और बस नॉर्मल सी पूजा करती हूँ भाई मैं तो। और वो लगा देंगे दही मक्खन, मीठा दही मतलब होता है ना जो अपना, उसका भोग लगा देंगे अभी तो, और मिश्री का इस टाइम पे तो। और फिर खाना बनाऊंगी, जब खाने का लगा देंगे रोटी वगैरह खिला देंगे भगवान जी को। और बस आज मम्मी जी नहीं थी ना, तो ये काम मुझे ही करना पड़ा, नहीं तो मम्मी जी खुद ही कर लेती हैं। और अभी मैं सुनूंगी मेरा कहानी वानी, और सुनने के बाद बस फिर चाय वगैरह पी करके और फिर करेंगे खाने की तैयारी। और यहाँ पे जिया थी और यसु बना रहा था वीडियो, तो यसु पूरी रेल बना देता है वीडियो की, लड़का नहीं सुधरने वाला, इसको कितना भी बोल दो वही करता है, तो आप माइंड मत करना, इग्नोर करना इसको। और ये देखिए हमने दिया जला दिया है यहाँ पे, और बस अभी चलते हैं किचन में। और ये देखिए हम सीधे आ गए हैं खाने पे, चाय वगैरह हमने पी ली थी, सब काम हो गया था वो तो। और बस अभी मैंने गट्टे की सब्ज़ी बनाई है और थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाई हैं, और दो तीन रोटियाँ बनाऊँगी ताऊ जी के लिए बस, क्योंकि वो पूड़ियाँ खाते नहीं हैं, तो इसलिए उनके लिए रोटियाँ सेक दूँगी दो तीन, बस इतनी खाते हैं, रोटियाँ भी ज़्यादा नहीं खाते हैं तो बस। और मैं और ये सुखा लेंगे पूड़ी, और मम्मी जी और पापा जी थे नहीं घर पे, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज तो पूड़ी बना लेते हैं, मेरा बड़ा मन हो रहा था। और वैसे मुझे पूड़ी पराँठे बहुत पसंद है, तो मेरा बहुत दिन से मन हो रहा था पूड़ी खाने का। और होली पर भी नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि ना वो बांझा आया हुआ था ना होली पे, तो उसने बोला मामी रोटियां ही बनाना पूड़ी मत बनाना, उसको पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कहा चलो वही रोटियां ही बना लेंगे। तो फिर उस टाइम पे भी नहीं बना पाई, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं, क्योंकि आज कोई भी नहीं है और मन की भी मतलब शौक भी पूरा हो जाएगा। तो फिर मैंने बना ली थी, और ताऊ जी के लिए रोटियां बना करके उनको भी खिला देंगे। अभी पूड़ियाँ बनाऊँगी पहले, फिर रोटी बनाऊँगी, और बस फिर हम भी खा लेंगे। और आजकल ना धूप बड़ी कड़क के गिरने लगी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, मार्च के महीने में इतनी गर्मी, बहुत तेज़ गर्मी होती है, और गर्मी क्या धूप बहुत ज़्यादा है, धूप से ही सब कुछ गर्म हो जाता है। और बस ये देखिए धूप कितनी तेज़ धूप है इस टाइम पे, 11-12 ही बजे होंगे इस टाइम पे, और बहुत तेज़ वाली धूप निकली हुई है, असली दोपहर ही हो रखी है। और ये देखिए हमारे पत्ते, जामुन का पेड़ है, उसके पूरे पत्ते ही पत्ते गिरते रहते हैं, सुबह बारो शाम को जाते हैं, शाम को बारते हैं, तो सुबह डगला लग जाता है, बहुत परेशान हो गए इन पत्तों से। तो चलिए जी, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।